हेलो दोस्तों, आज हम इसमें थोड़ा और आगे की ओर जाते हैं। जितना इतना हमारा क्रिएट हो चुका है, अब हम इसमें एक्सटेंड की ओर चलेंगे। थोड़ा सा और जो रोड्स है इधर ज़रा एक्सटेंड कर देंगे, ताकि हम इसमें कार को वॉक थ्रू कर सकें और पूरे सीन को हम वॉक थ्रू देके एनिमेशन कर सकें। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सारे रोड्स के पैटर्न्स को, और इसको हम कॉपी रख देंगे यहाँ पर एज इट इज़। इसको थोड़ा मैन्युअली सेटअप कर देंगे। ओके, गैप्स को हमें फिलअप कर देना है, गैप्स नहीं रहने चाहिए। और यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं जो हमारे इस पोजीशन में गैप्स नहीं है, और यहाँ पर ज़रा सा गैप दिख रहा है। तो ये जितने भी गैप्स दिख रहे हैं इसे हमें फिल कर देना है। तो इस रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा अंदर की ओर रख देंगे। ओके, तो सेम हमें इसको भी पूरा कॉपी कर देना है शिफ्ट के साथ। चारों तरफ जो है हम रोड्स को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। थोड़ा ओवरलैप होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम सेटअप कर सकते हैं। बट अगर गैप्स अगर रहेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड दिखेगा। ओके, यहाँ पर भी कुछ गैप्स है तो इसे भी हम थोड़ा फिलअप कर देना है। ओके, शिफ्ट के साथ इसे भी आगे की ओर कॉपी कर देते हैं। ओके, अगेन ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ और फिर शिफ्ट के साथ कॉपी। ओके, और इसे भी हम शिफ्ट के साथ कॉपी की तरफ लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। और शिफ्ट के साथ इसे नीचे की साइड। ओके, अब हमारा यहाँ पर चारों तरफ से ओपन स्पेस जो पड़े हैं, अब हम एक प्लेन को क्रिएट करेंगे और इस प्लेन को हम सिंपली फोर साइड्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसे हम थोड़ा कम कर देंगे। ओके, तो ये हमारा फोर साइड अवेलेबल है। अब इसमें हम एडिटेबल पॉली कर देते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसमें हम मटेरियल्स अलग अलग असाइन करेंगे। स्पेशली हम पहले एक मटेरियल असाइन कर देते हैं ग्रास का। यहाँ पर मटेरियल लाइब्रेरी में जाएंगे, एडिटर में एम प्रेस करने से मटेरियल एडिटर आ जाएगा। और यहाँ पर हम पहले एक मटेरियल असाइन करेंगे, फिर इसके अंदर टेक्सचर में जाके बिट मैप लेंगे हम। बिट मैप के अंदर हम टेक्सचर के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम ग्रास ले लेंगे। ओके, इसे मैं सबसे पहले ओवरऑल सब में असाइन कर दे रहा हूँ, फिर पॉलीगन वाइज हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो अल्टरनेटिवली हम दूसरे दूसरे मटेरियल्स को लेंगे। यहाँ पर भी बिट मैप और इसे असाइन करते हैं।
इनके जगह में हम कुछ और भी अगर हमें यूज़ करना हो, कुछ दूसरे पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल के अगर हमें यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स वगैरह शो करना हो तो भी हम शो कर सकते हैं। दैट डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो यहाँ पर मैं कुछ दूसरे ग्रास ले रहा हूँ, कुछ ऐसे ग्रास भी हम रख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर कुछ दूसरे पैटर्न को असाइन कर देंगे। अब इसके अंदर हम UVW मैप ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा शेल दे देते हैं, क्योंकि ये अभी प्लेन होगा कुछ इस तरीके से। इसमें प्लेन भी हम रख सकते हैं, बट बेटर होगा कि थोड़ा शेल दे देते हैं हम। शेल में हाइट इनर वैल्यू दे देंगे, या आउटर वैल्यू जो हमारा अभी फ़िलहाल में था इतना ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि गैप्स जो है वो नहीं दिखेंगे। सेम वैल्यू अपर लोअर दोनों साइड में दे देंगे। अब इसमें UVW मैप ऐड करेंगे, UVW मैप और बॉक्स एंड देन फिट। अब फिट करने के बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू कम करनी है, मीन्स के लेंथ और विड्थ जो है हमें कम करना है, ताकि हम इसे स्केल कर सकें। ओके, इतना मैप्स के लिए ठीक है। तो ये हमारा आउटर स्पेस का जो पोर्शन है, इसे हमने कवर अप किया। यहाँ पर अब हम चेक कर सकते हैं कहीं पे कुछ अगर गैप्स अगर विजिबल है तो उसे हम फिलअप कर देंगे, ताकि जब हम एनिमेट करें, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है तो इसमें हम जो रेक्टेंगल है इसको थोड़ा सेटअप कर देते हैं अपर साइड के। यहाँ पर भी ठीक है। ओके, कहीं पे भी अगर गैप हो तो जब वॉक थ्रू होगा तो उसमें दिख जाएगा, बट अगर अभी दिख रहा हो तो अगर हम उसमें सेट कर सकते हैं। ओके, ये अब हमारा जो आउटर का पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम वॉक थ्रू स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कार्स को मूवमेंट देंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।